हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई मलयालम मूवी ओरू अदर लव। इस मूवी का एक सॉन्ग और इसमें की हीरोइन बहुत ही वायरल हो गई थी, जिसका नाम है प्रिया वारियर। उस टाइम वो इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी थी और उसकी वो सिग्नेचर पोज बहुत ही वायरल हो गई थी। तो आज हम इसी मूवी की स्टोरी देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है डॉन बोस्को स्कूल से, जहाँ पे रोशन पढ़ रहा था और एक दिन उसकी नजर प्रिया पर पड़ती है और देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उसे। तो गेट में ही वो उसे बुला लेता है और उसकी रैगिंग स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो उसका नाम पूछता है और उसे सैल्यूट करने के लिए कहता है, और जब वो रैगिंग कर रहा था तो उसके सीनियर वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि रोशन अभी 11th में था और जूनियर होने के बावजूद वो रैगिंग कर रहा था। ये देख के सीनियर्स उस पर गुस्सा करते हैं और उसे सड़ में ले जाकर पीटने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पे गंदा आ जाती है और उसे पीटने से बचाती है, जिससे उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहां पे रोशन के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं, जहाँ पे उसका खास दोस्त था फ्रांसिस। अब इन दोस्तों की बात करें तो आते जाते हर लड़की पर वो लाइन मारते थे। फिर रोशन का रूममेट था पवन, जिसे सना नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। तो अगले दिन सुबह जब वो कॉलेज जाते हैं तो बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, तो रोशन और पवन सना का ही वेट कर रहे थे कि कब वो आएगी। लेकिन जैसे ही सना रेनकोट पहनकर आती है तो पवन रोने लगता है, क्योंकि वो छाता लेके रेडी था उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्रिया और गंदा बस से उतरती है और वो एक ही छाते में आ रही थी। इन्हें आता हुआ देख के रोशन भी उनके छाते में घुस जाता है। तो गंदा को पता चल जाता है कि रोशन प्रिया को पसंद कर रहा था, इसीलिए गंदा साइड चली जाती है और रोशन और प्रिया मस्ती करते हुए कॉलेज में आ जाते हैं। फिर कॉलेज में आने के बाद रोशन गंदा के पास चला जाता है और कहता है कि मेरी और प्रिया की सेटिंग कर दो। तो अब रोशन और गंदा की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और गंदा बहुत ही कूल लड़की थी और हर लड़के के साथ वो अच्छे से मिक्स होती थी। फिर गंदा भी रोशन को नाराज ना करते हुए कहती है कि मैं कुछ ट्राई करती हूँ। फिर लंच ब्रेक में गंदा अपने फ्रेंड सना के साथ कॉरिडोर में बात कर रही थी और उन्हें बात करता हुआ देख रोशन के क्लास के दो लड़के देख लेते हैं, जिनका नाम था मैथ्यू और अरुण। तो वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके चिक्स पर डिंपल भी आता था, तो वो डिंपल पे वो दोनों लड़के फिदा हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की तो साइंस में ही होगी, लेकिन जैसे ही वो कॉमर्स के रूम में चली जाती है तो वो दोनों नाराज होकर अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। फिर क्लास में आने के बाद उन्हें पढ़ाने के लिए एक नई मैम आई थी, जिसका नाम था स्नेहा, और वो उन्हें जूलॉजी पढ़ाने वाली थी। तो ये मैम की खूबसूरती देख के फ्रांसिस तो पूरा फ्लैट ही हो जाता है और ऊटपटांग सवाल पूछने लगता है। इस क्लास के बाद एंट्री होती है मैथ सर की। तो ये सर बहुत ही पकाऊ थे और बड़ा बड़ा फेंकते थे, तो ये सर का बच्चे बहुत ही मजाक उड़ाते थे। लेक्चर के बाद गंदा और प्रिया गार्डन में बात कर रहे थे, तो वहां पे रोशन आता है और प्रिया को कर कहीं और चला जाता है, और गंदा से बात करने के लिए फ्रांसिस, मैथ्यू और अरुण आ जाते हैं। तो वो तीनों गंदा से पूछते हैं कि तुम जिस लड़की के साथ बात कर रही थी उसका नाम क्या है। तो गंदा पहले तो भाव करने लगती है, लेकिन वहां पे पवन आ जाता है। तो पवन की बात करें तो वो बहुत ही मोटा था, लेकिन उसका बात करने का अंदाज बहुत ही कूल था और हर लड़की के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती थी। और फिर फाइनली गंदा उसे अपने फ्रेंड का नाम बता देती है, तो ये सुन के वो सब खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इधर रोशन और प्रिया कॉलेज गार्डन के एक कॉर्नर में आ जाते हैं और बात करते करते ही रोशन प्रिया को किस कर देता है। इस पर प्रिया पहले तो बहुत शॉक हो जाती है, लेकिन बाद में हंसते हुए वहां से चली जाती है। फिर रात में जब रोशन और पवन मेस में खाना खा रहे थे तो रोशन पवन को सारी बात बता देता है किस वाली। तो इस पर पवन उसे बहुत डराता है और कहता है कि प्रिया कल हेडमास्टर को जाके बताएगी और तुम्हारी वाट लग जाएगी। और ये बात वो पूरे स्कूल में बता देता है कि रोशन ने प्रिया को किस किया है। इसीलिए अगले दिन रोशन डरता हुआ गंदा के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे बचा लो। लेकिन जब गंदा प्रिया के पास चली जाती है तो रोशन की इस हरकत पर प्रिया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, तो ये सुनकर रोशन खुश हो जाता है और प्रिया के साथ सपने सजाने लगता है। इधर 12th वाले सीनियर्स हर किसी की रैगिंग करते थे। अगर कोई लड़का अच्छा गाना गाता तो उसकी भी रैगिंग करते, कोई नया टीचर भी दिख गया तो उसकी भी रैगिंग करते थे, क्योंकि वो स्टूडेंट की तरह ही दिखता था। फिर रोशन और गंदा में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि हर जगह वो दोनों साथ में रहते और रोशन के ग्रुप में गंदा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। लेकिन प्रिया को रोशन का ग्रुप इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रिया बहुत ही सिंसियर, होशियार और टॉपर थी, लेकिन रोशन का फ्रेंड सर्कल बस किसी तरह पास होता था। इसीलिए प्रिया रोशन के ग्रुप के साथ कभी नहीं होती थी और गंदा हमेशा उसी के ग्रुप में रहती थी। तो कॉलेज में यह अफवाह फैल जाती है कि गंदा और रोशन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यह अफवाह गंदा जानबूझकर फैलाती है, क्योंकि रोशन और प्रिया के बीच में झगड़ा हो गया था और गंदा को जानना था कि प्रिया सच में रोशन से प्यार करती है या नहीं। तो ये बात सुनने पर प्रिया गंदा से बात करने के लिए उसके पास आती है, तो यही पे पता चल जाता है कि प्रिया भी रोशन से प्यार करती है और गंदा रोशन और प्रिया के बीच में का झगड़ा खत्म करती है और फिर से प्रिया और रोशन की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इधर रोशन के ग्रुप में अरुण को मिशेल पसंद आ जाती है
और मैथ्यू और पवन को सना पसंद आती है। तो अरुण जैसे ही मिशेल को प्रपोज करने के लिए जाता है तो उसे कहती है कि तुम मुझसे प्यार व्यार की उम्मीद मत रखो, मैं यूएसए से आई हूँ एंड आई एम नॉट वर्जिन। तो ये सुनने के बाद अरुण तो शॉक रह जाता है और उसका तो प्यार के ऊपर से भरोसा ही उड़ जाता है। और अब बचा था मैथ्यू और पवन। तो इन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए गंदा बीच में आ जाती है। तो वो कहते कि हम टॉस करेंगे, तो जो कोई भी टॉस जीतेगा पहले सना को प्रपोज करने के लिए चला जाएगा। तो टॉस पवन जीतता है तो वो सना से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन इससे पहले ही उनके सीनियर्स को ये बात पता चलती है, तो वो पवन को पकड़ लेते हैं और बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि सना अक्कू खान को पसंद करती है जो कि एक डांसर था, और सना भी अक्कू को पसंद करती थी। तो यहाँ पे पवन और मैथ्यू का पत्ता कट हो जाता है। और इधर स्टाफ रूम में भी स्नेहा मैम के ऊपर पीटी के सर और मैथ्स के सर लाइन मारते थे और उन दोनों में हमेशा नोकझोंक होती थी। इन दोनों के झगड़े का नतीजा ये होता है कि पीटी के सर गैदरिंग में हनुमान बन जाते हैं और उनकी गदा से वो मैथ्स के टीचर के सर के ऊपर मार देते हैं जिससे उनकी गर्दन टूट जाती है। तो इसी तरह से स्कूल में बच्चों के भी और टीचर्स के भी लड़ाई झगड़े और अफेयर्स चल रहे थे। फिर अगले दिन जब सब स्टूडेंट्स बस से आ रहे थे स्कूल के लिए तो कुछ गुंडे गंदा को छेड़ने लगते हैं। तो इस पर गंदा आवाज उठाती है तो उसके सारे फ्रेंड्स एक साथ आ जाते हैं और वहां पे लड़ाई करने लगते हैं और बस रोककर उन सारे गुंडों को बस के बाहर धकेल देते हैं। तो इस पर वो गुंडे बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सब बच्चे एक साथ थे। फिर एक दिन गंदा का बर्थडे था तो रोशन और उसके सारे फ्रेंड्स गंदा के घर पर रात के 12 बजे चले जाते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। तो गंदा के पेरेंट्स बहुत ही कूल और मैच्योर दिखाए हैं। फिर अगले दिन जब ये बात प्रिया को पता चलती है तो वो रोशन से बहुत ही खड़ूस अंदाज में बात करती है क्योंकि प्रिया के मम्मी पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उसे फोन पे भी बात करने की सहूलियत नहीं थी। इसलिए वो गंदा की टांग खींचने लगती है और कहती है कि क्रिश्चियन लोग तो बहुत ही कंजूस होते हैं, देखो तुम्हें गंदा पार्टी देती है या नहीं। तो अगले दिन गंदा के घर में क्रिश्चियन फेस्टिवल पार्टी थी जिस पर सब लोग मिलकर चले जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। फिर लास्ट में ड्रिंक करके सब लोग गप्पे लड़ा रहे थे तभी रोशन का मोबाइल पवन के पास था और गलती से उनके कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर अडल्ट मूवीज सेंड हो जाती है और डिलीट फॉर एवरीवन करने की जगह डिलीट फॉर मी कर देता है पवन। तो अगले दिन रोशन को प्रिंसिपल साहब बुला लेते हैं और उसे रस्टिकेट कर देते हैं। फिर पूरे स्कूल को पवन की ये हरकत पता चल जाती है और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और लड़कियां भी प्रिया को चिढ़ा रही थी। तो प्रिया से यह सहा नहीं जाता और वो रोशन से मिलने के लिए ग्राउंड पर चली जाती है। तो वहां पे वो रोशन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये रिलेशन कंटिन्यू कर पाऊंगी और वो रोशन से ब्रेकअप कर देती है। इस पर रोशन भी गेट लॉस्ट यू चीट गर्ल कहता है और वहां से चला जाता है एटीट्यूड में। अब रोशन को रस्टिकेट होने के कारण हॉस्टल भी छोड़ना पड़ रहा था तो वो हेल्प मांगने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। वहां पे गंदा कहती है कि हमारे एक रिलेटिव है जो कि SI है तो मैं उनसे बात करती हूँ, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। फिर रोशन और उसके फ्रेंड्स मिलकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं तो वहां पे SI राव क्रिमिनल को धो रहे थे। तो ये देख के रोशन और उसके फ्रेंड्स की फट जाती है लेकिन बाद में जब वो उनसे बात करते हैं तो पहले तो उन्हें वार्न करते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और वो प्रिंसिपल को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। पहले तो वो प्रिंसिपल की बात सुन लेते हैं और बच्चों को डांटते हैं लेकिन बाद में वो प्रिंसिपल को सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये लड़का रेलवे स्टेशन पर चला गया था और उसका ये नोट भी है। तो ये सुनने के बाद प्रिंसिपल भी डर जाते हैं और वो उसका रस्टिकेशन कैंसिल करके उसे स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। फिर स्कूल में आने के बाद रोशन प्रिया को थैंक्स कहता है लेकिन प्रिया अब भी रोशन पर नाराज थी। तो सब लोग मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि रोशन और गंदा का अफेयर चल रहा है ऐसा दिखाते हैं प्रिया को ताकि वो जेलस फील करे और फिर से रोशन के पास चली आए। तो रोशन और गंदा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह कॉलेज में घूमने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं ताकि प्रिया जेलस फील हो। लेकिन जैसे वो एक दूसरे के साथ बातें करते जाते हैं उन्हें एक दूसरे में इंटरेस्ट आने लगता है और वो दोनों भी एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। ये देख के प्रिया भी समझ जाती है कि रोशन ये जानबूझकर कर रहा है और वो भी उसे सॉरी कहती है और फिर से रोशन और प्रिया का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार रोशन का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था और उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था क्योंकि प्रिया बहुत ही कंजर्वेटिव और पजेसिव गर्लफ्रेंड थी। वो रोशन को किसी भी लड़की के साथ बात नहीं करने देती थी और हमेशा उसी के साथ चिपकी रहती थी और उसे रोशन के फ्रेंड्स भी पसंद नहीं थे इसीलिए वो उनसे दूर ही रहती थी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट गंदा थी तो गंदा रोशन के फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होती थी इसीलिए अब रोशन को प्रिया से अच्छी गंदा ही लगने लगी थी। फिर एक दिन रोशन और प्रिया लाइब्रेरी में असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे थे तो रोशन प्रिया से कहता है कि क्या तुम मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगी। इस पर प्रिया कहती है कि तुम्हें खुद की मेहनत करनी चाहिए और असाइनमेंट्स खुद ही कंप्लीट करो। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। फिर गंदा वहां पे आती है तो वो रोशन के असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए ले जाती है और अगले दिन उसे कंप्लीट करके देती है। इसके बदले रोशन उसे कैडबरी देता है
तो उसे कैडबरी देता हुआ प्रिया देख लेती है तो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने गंदा को कैडबरी क्यों दी। इस पर उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। धीरे धीरे अब प्रिया को भी पता चल रहा था कि रोशन का इंटरेस्ट उसके बारे में कम हो चुका है, क्योंकि कॉल पे भी वो ठीक से बात नहीं करता था और गंदा भी बहुत नाराज नाराज रहने लगी थी। फिर फाइनली एक दिन प्रिया रोशन से कहती है कि क्या तुम्हें गंदा पसंद है। फिर इस पर रोशन हाँ कहता है तो तुम चले जाओ उसके पास, ऐसा कहती है और वहां से प्रिया चली जाती है और यहाँ से रोशन और गंदा की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर रोशन और उसके फ्रेंड सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि रोशन और गंदा को कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो वहां पे रोशन उसे प्रपोज करने वाला था। तो सब लोग मिलके एक हिल स्टेशन पर घूमने के लिए चले जाते हैं। वहां पे रोशन और गंदा थोड़े से आगे चले जाते हैं ताकि दोनों प्राइवेटली बात कर सके। तो वो एक जगह पे बैठ के बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पे वो बस वाले गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों को अकेला देख के उन्हें मारने लगते हैं। तो वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको पीट रहे थे, तो उनकी आवाज सुन के उनके सारे फ्रेंड्स भी वहां पे आ जाते हैं और वो उनके साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ पे रोशन और गंदा बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे, लेकिन उनके फ्रेंड्स के आने की वजह से उनकी जान बच गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोशन और उनके फ्रेंड्स एक साथ बाइक पर घूम रहे थे, ये लास्ट सीन में हमें दिखाया है, और यहाँ पे रोशन और गंदा की लव स्टोरी सक्सेस हो जाती है। तो आपको ये मलयालम मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।